नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं माय टेक्निकल पेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको देने वाला हूँ एक AIA फाइल, जिससे आप जो है कि अपने एडसेंस में अर्निंग कर पाएंगे। दोस्तों, AIA फाइल जो है कि मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, इसके लिए मैं कोई भी पैसा नहीं लेने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में किस तरह से आपको उस AIA फाइल को एडिट करना है और यूज करना है। दोस्तों, इस AIA फाइल में आपके एडसेंस के सस्पेंड होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे जितना ज़्यादा यूजर लाएंगे उतना ज़्यादा आपका अकाउंट सेफ रहेगा। दोस्तों, अगर कम यूजर हैं तो आपका अकाउंट जो है कि डिसेबल होने का रिस्क रहता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ के रखें, ताकि आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो और आपका एडसेंस अकाउंट हमेशा सेफ रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने उस AIA फाइल को ओपन कर रखा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से जो है कि इसका इंटरफेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एड्स लगाए गए हैं, तो इस एड को अपने एड यूनिट से चेंज करना है, ठीक है। दोस्तों, ये सारे एड यूनिट जो है कि अपने एड यूनिट से चेंज करना है। और उसके बाद करना क्या है दोस्तों, सारे एड यूनिट चेंज कर देने हैं आपको ध्यान से। उसके बाद फायरबेस में जाके चेंज करना है आपको फायरबेस का लिंक, ठीक है। और उसके अलावा इसमें कोई भी अगर थोड़ा बहुत अगर आपके साथ बग मिलता है तो उस बग को थोड़ा बहुत फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस AIA फाइल में अभी तक मुझे कोई ऐसा बग नहीं मिला जिसके साथ ये एरर हो। किसी किसी में तो कि यहाँ पे दोस्तों आपको वार्निंग शो होगी अगर कहीं पे एरर होगा, बग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बग होगा मैं उसको देख लेता हूँ कहाँ पे बग है, तो आपको पता चल जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे शो वार्निंग पे, तो वहाँ पे आपको बग पता चल जाएगी किस जगह पे ये बग है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे बग है इसमें, ठीक है। कोई एक पार्ट मिस होगा इसकी वजह से यहाँ पे बग आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पार्ट मिसिंग है इसलिए यहाँ पे बग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पार्ट होगा उसको यहाँ पे लगा देना है, और इसको यहाँ पे प्रोसेस स्टाइल यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये नोटिफायर में जाना है आपको, और यहाँ पे शो प्रोग्रेस डायलॉग यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी दिखेगा शो प्रोग्रेस डायलॉग में, वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे जीरो है, ठीक है। सो प्रोग्रेस डायलॉग में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे हमें जीरो लगाना है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं यहाँ मैथ यूनिट में, और यहाँ पे हमें जीरो लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली पार्ट हमें मिसिंग थी, और इसको लगाने के बाद ये जो कि सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से वार्निंग हट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए वार्निंग हट गई। तो इस तरह के एक दो एरर मिलेंगे आपको, अगर आप उसको सही कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हो, तो आप जो है कि प्रॉपरली इस AIA फाइल को यूज कर पाइएगा। और दोस्तों, इसके लिए जो है कि आप अपने एड यूनिट को चेंज कर लीजिएगा, फायरबेस को अच्छे से चेंज कर लीजिएगा, और चेक कर लीजिएगा कहीं पर कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है कि आप प्रॉपरली इसको यूज करिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। AIA फाइल में मैंने इसको पर्सनली चेक करके आपको दे रहा हूँ। अगर आपके साथ थोड़ा बहुत एरर आते तो आप उसको मैंने बता दी किस तरह से फिक्स करना है एरर को, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दिया है, उसको डाउनलोड करना है। और उस एप्लीकेशन में स्क्रॉल करेंगे तो आपको AIA फाइल मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है कि अपने एपी बिल्डर में इंपोर्ट करके आप इसको एडिट करके एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जाना है बिल्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेव APK पे क्लिक करके आप इसे लोगों को दे सकते हैं, जो प्रॉपरली लोग इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के घंटे को दबाना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।